बिहार के दशरथ मांझी के बारे में तो आपने जरूर सुना और पढ़ा होगा कि किस तरह उन्होंने सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी से अकेले ही 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट कर किया था। इसके लिए उन्हें 22 साल लगे थे। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला कारनामा ओडिशा के जलंधर नायक ने भी किया है, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहाड़ काटकर 8 किलोमीटर लंबी एक सड़क का निर्माण कर दिया है। जलंधर नायक ने लगातार 2 साल तक दिन रात एक कर अकेले ही पहाड़ काटकर इस सड़क का निर्माण किया है। ये रोड उनके गांव गुमसही को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करती है। आपको बता दें कि नायक के 3 बेटे हैं, जिन्हें स्कूल जाने के लिए पहले पहाड़ के ऊपर चढ़कर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन 2 साल में रोजाना 8 घंटे यहाँ काम कर नायक ने पहाड़ काटकर सड़क का निर्माण कर दिया, जिससे कि उनके बेटों के स्कूल जाने में काफी आसानी हो गई। बता दें कि इस गांव में अकेले नायक का ही परिवार रहता है, बाकी गांव वाले यहां संसाधनों की कमी के चलते गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। पिरामिडों के लिए मशहूर मिस्र में अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर देने वाली चीजें मिलती रहती हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ऐसी ही दुर्लभ चीज की खोज की है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने रेगिस्तान में दबे हुए 4500 साल पुराने सूर्य मंदिर को ढूंढ निकाला है। ये पुराना सूर्य मंदिर आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिस्र की राजधानी काहिरा के पास अबू गोराब शहर में मिला है। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से लगभग 4500 साल पहले 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस सूर्य मंदिर को मिस्र फैरो ने बनवाया था। आर्कियोलॉजिस्ट को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि सूर्य मंदिर का बेस मिट्टी की ईंटों का बना था, जिससे पता चलता है कि इस साइट पर पहले से कोई बिल्डिंग थी। दूसरी ओर इसी मंदिर के पास पिरामिडों को राजा के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया, ताकि मरने के बाद राजा दोबारा भगवान का स्वरूप बनकर दुनिया के सामने रह सके। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं जो मिस्र के सूर्य मंदिरों की कहानियां बताते हैं। केन्या के रहने वाले स्टैनी गारा किंग के नाम से फेमस है, एक ऐसा किंग जो अपनी प्रजा को कॉन्डम बांटते हैं। स्टैनली पूरे अफ्रीका में एकलौते ऐसे शख्स हैं जो कॉन्डम किंग के नाम से फेमस हैं। नारोबी की गलियों में टहलते हुए वो हर जरूरतमंद शख्स को निरोध बांटते हैं, पर सवाल ये उठता है कि वो सबको निरोध क्यों बांटते हैं। स्टैनली का कहना है कि वो अफ्रीका के लोगों के बीच निरोध को लेकर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। अफ्रीका में हर साल लाखों लोग एचआईवी बीमारी का शिकार होते हैं, इसके चलते कई लोगों की मौत भी हो जाती है। स्टैनली के साथ भी ऐसी ही एक घटना घटी, जिसके बाद से उन्होंने ये नेक कार्य को अंजाम देने का फैसला किया। रिपोर्ट्स की माने तो काफी साल पहले उनके एक बेहद जिगरी दोस्त की एचआईवी के ही कारण मौत हो गई थी। तब से वो राजा की तरह तैयार होते हैं और लोगों को सड़क पर मुफ्त में निरोध बांटते हैं। स्टैनली सिर्फ कॉन्डम बांटने का काम ही नहीं, लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। T20 वर्ल्ड कप हारकर भी मालामाल हुई टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराकर 5 मैचों में 3 जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में फैंस यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इस टूर्नामेंट से भारत को कितनी राशि मिल रही है। भारत T20 विश्व कप 2021 में सुपर 12 चरण से बाहर हो गया, जिसमें उसने 3 मैच जीते। टूर्नामेंट में कुल 41,63,00,000 रुपए की इनामी राशि है, जिसे सभी 16 प्रतिभागी टीमों में बांटा जाएगा। ICC द्वारा पहले घोषित मानदंडों के अनुसार सुपर 12 फेज में प्रत्येक जीत के लिए एक टीम को $40,000 यानी 29,73,000 रुपए मिलेंगे, और टूर्नामेंट के सुपर 12 फेज में भाग लेने के लिए विराट कोहली और उनकी टीम को पुरस्कार राशि के रूप में $70,000 यानी 52,00,000 रुपए मिलेंगे। उसके अनुसार भारत को पुरस्कार राशि के रूप में कुल $1,90,000 यानी 1,41,00,000 रुपए की राशि मिलेगी। दोस्तों, हम डरावनी फिल्में कभी ना कभी तो देखते ही हैं, मगर क्या हो अगर आपको डरावनी फिल्में देखने के पैसे मिले। दरअसल एक अमेरिकी कंपनी ने अक्टूबर में 13 डरावनी फिल्में देखने पर $1,300 यानी $95,000 रुपए दिए। इन फिल्मों को देखकर आपको फीडबैक देना था। फाइनेंस बस कंपनी इस काम के जरिए असल में ये पता लगाना चाहती थी कि क्या फिल्म के बजट का दर्शकों पर खास असर पड़ता है या नहीं। क्या बड़े बजट वाली डरावनी फिल्में कम बजट वाली फिल्मों की तुलना में अधिक डरावनी होती हैं या नहीं। क्या किसी फिल्म का बजट दर्शकों की हार्ट बीट की रफ्तार को बढ़ाता है या नहीं। इसके लिए फिटबिट के जरिए हार्ट बीट रिकॉर्ड की गई। कंपनी की तरफ से मूवी मैराथन के दौरान फिटबिट पहनने और फिल्म देखने में खर्च होने वाले पैसे के लिए $50 का गिफ्ट कार्ड अलग से दिया गया।